नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जे एन के स्टूडेंट पॉइंट में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि BSF CSF के जो स्टूडेंट्स हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। ओहो, वो BJP दफ्तर के बाहर त्रिकुटा नगर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखी है, उसमें हमने बताया है कि BSF CSF वाले स्टूडेंट जो हैं क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या ये उनकी जो डिमांड है वो जेन्युइन है कि नहीं है। तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वो वाली वीडियो ज़रूर जाकर वहाँ पर विज़िट ज़रूर करें। तो आगे हम आपको इस वीडियो में बताएं, इस वीडियो में हम आपको एक क्लिप बताएंगे जो कल की है, जहाँ पर BSF CSF का जो एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहा था वो अनकॉन्शियस होके गिर पड़ा, क्योंकि उसने 4 दिनों से कुछ भी खाया नहीं था। तो जिस दौरान जब वो अनकॉन्शियस हुआ तो उसके कुछ ही देर बाद हमारे कांग्रेस के लीडर अमन भल्ला भी वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने भी उनका हाल चाल जाना। तो ये अब आगे आप उनका एक क्लिप देखिएगा। इससे पहले मैं आपको वो वाली वीडियो दिखाऊं, जो लोग चैनल में नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही स्टूडेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। और अगर आपके पास भी कोई स्टूडेंट से रिलेटेड जेन्युइन कोई डिमांड रखनी हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर या फिर टेलीग्राम पर कोई भी ऑडियो या वीडियो भेज सकते हैं, लिंक दोनों के डिस्क्रिप्शन में है। ज़रूर हमें वहाँ पर फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब आपको वो वाली क्लिप दिखाते हैं। टाइम ज्यादा लग गया, 40 दिन हो गए, लेकिन हमें अभी भी उम्मीद है हमारी बात सुनेगी। हमारा भाई अभी बीमार है, इसको कुछ नहीं होना चाहिए, बस हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे भाई बंधु को कुछ ना हो, इसलिए हमारी हेल्प की जाए बस सरकार से। प्लीज मोदी सरकार जी, प्लीज रविंदर रैना, प्लीज डॉक्टर साहब हमारी हेल्प करो। सर लोकल सर ये तो फिर भी सपोर्ट करते हैं सर, हमारे पास आते हैं हाल चाल पूछते हैं कि कोई चीज़ की जरूरत नहीं, लेकिन हम फिर यही बोलते हैं कि हमें सरकार से उम्मीद है कि अगर सरकार से हमने डिमांड रखी इनको बोल दिया तो ये हमारा टेम्परेचर ही इतना ज्यादा है, मेरे यहां पे बता रहा हूं, मेरे शूज के नीचे से जो है गर्माहट जो है वो मेरे पांव से ऊपर तक पूरी बॉडी मेरी वो गर्म हो गई। सर हमारा जो क्लाइमेट वेदर हो गया ना, ये राजस्थान के तरह हो गया, दिन में इतनी गर्मी और रात में उतना ही ज्यादा ठंडा टेम्परेचर, अभी जमीन पे पांव नहीं रखा जाएगा और रात को भी नहीं रखा जाएगा, क्योंकि इतना टेम्परेचर डाउन हो जाता है, जमीन इतनी ठंडी हो जाती है, गीली हो जाती है। आप बताइए हम क्या करेंगे, तो करेंगे क्या सरकार से, सिर्फ बार बार और कुछ नहीं चाहिए, बस रिक्वेस्ट कि हमारा काम एम्बुलेंस आ रही सर, हमारा काम करें, हमें सुरक्षित हमें अपने घर जाने दे अपनी नौकरी के साथ। सर आप देख रहे हैं बच्चे जो है वो घबराए हुए हैं, क्योंकि इन्हीं का साथ नहीं रहा है।